हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने रिएक्शन चैनल परी व्लॉग में। तो आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं दो यूट्यूबर्स की, एक दीपा नेगी पहाड़ी और एक तारा उल ब्लॉग की। तो तारा ने जब एक प्रेगनेंसी वीडियो बनाई थी, अभी एक प्रैंक प्रेगनेंसी वीडियो बनाई थी, तो उसके ऊपर मैंने दो रिएक्शंस वीडियो दिए थे, क्योंकि वो प्रेगनेंसी वीडियो जो है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मतलब वो एक ऐसी प्रेगनेंसी प्रैंक था कि जो हम फैमिली के बीच में बैठकर नहीं देख सकते थे। प्रेगनेंसी प्रैंक होता है, बहुत से लोग करते हैं, लेकिन उससे जो वो होता था ना कि मतलब जो उसमें तारा और राहुल ने बातें की थी ना कि कैसे हो गया, मुझे ये पता, मैं तो रखूँगी, ये वो बहुत सारी बातें की जो कि अच्छी नहीं लगती थी फैमिली के बीच बैठकर इस बातों को हम जिक्र करेंगे, ऐसी वीडियो देखें। लेकिन एक तारा जो है एक फैमिली ब्लॉगर है ना, एक अपने डेली व्लॉग डालती है तो उसको सब लोग देखते हैं, लेकिन अगर ऐसी वीडियो डेली व्लॉग में आएंगी तो लोग थोड़ा उस चीज़ को ना तो अच्छी नहीं। कुल मिलाकर यह कि तारा को मैं सपोर्ट करती हूँ, फेसअप करती हूँ, लेकिन जहाँ पर गलत होती है मैं उसको वहाँ पर गलत भी बोलती हूँ, लेकिन यहाँ पर जो था ना तारा बिल्कुल 100% गलत थी। तो जब मैंने आज वीडियो देखी तो मैंने देखा कि दीपा नेगी पहाड़ी ने भी तारा की इसी वीडियो पर रिएक्शन दिया हुआ है। तो मैंने तारा की वो दीपा नेगी दीदी की वो पहाड़ी वो वीडियो देखी उनकी अच्छे से, तो उन्होंने एक थंबनेल डाला हुआ था, थंबनेल उन्होंने फिर हटा दिया था, पता नहीं क्यों हटाया, लोगों को कहने पे हटाया या अपने आप हटाया। उन्होंने हटाया था कि छोड़ो, जिसको जो करना है करने दो, हटा दिया पोस्टर, है ना। तो तारा ने दीदी ने वो पोस्टर हटा दिया, उनका मतलब भी थंबनेल वहाँ से हटा दिया था, देखो अब थंबनेल नहीं लग रहा है ना। उसके बाद उनका टाइटल था ये कलयुग ही हो, ये कलयुग ही तो है, हमारे उत्तराखंड का कल्चर नहीं है। तो उनका टाइटल था कि तारा ने जो भी रिएक्शन वीडियो दी वो हमारे उत्तराखंड का कल्चर नहीं है, ठीक है। तो देखो कल्चर तो कुछ नहीं है, बहुत सारे उत्तराखंड के लोग भी हैं जो प्रेगनेंसी प्रैंक बना रहे हैं, है ना। लेकिन उसमें मैं भी मानती हूँ कुछ बातें थी जो नहीं होनी चाहिए थी, तो वो बातें गलत थी, तो इसलिए मैंने भी उस पर रिएक्शन दिया था। तो इन्होंने ये भी बोला था, फिर अपना एक कमेंट पिन किया दीदी ने कि जब जय माता रानी की, आपको मेरा प्यार भरा प्रणाम। देखिए मैंने तारा बहन के बारे में कुछ गलत नहीं बोला, आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी होगी, कहीं से भी कुछ गलत नहीं बोला, बस मुझे ये पसंद नहीं आया इसलिए मैंने ये बोला। हमारे उत्तराखंड में ऐसा नहीं होता, पहले जब किसी ने उन्हें गलत कमेंट किया था तो तब मैंने उनको सपोर्ट किया था, कर रही थी बात प्रियंका योगी तिवारी की, तो उन्होंने कभी भी कुछ गलत नहीं बोला, ना ही मैं बोलती हूँ, वो आप लोगों की सोच है। मैंने कहा था मेरे पापा को गुजरने पर योगी तिवारी जी ने मुझे कॉल पे बात, आप लोगों ने उसका गलत मतलब निकाला कि प्रियंका योगी ने मुझे गाली दी, अपनी अपनी सोच है ना। तो देखो उन्होंने इस चीज़ में बोला, वो उनकी मर्जी है, हम नहीं कह सकते कि आपने क्यों बोला, ठीक है, क्योंकि सबको बोलने का हक है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इस पर कोई भी बात प्राइवेट नहीं होती है या पर्सनल नहीं होती है। जब हम यूट्यूब पर कोई भी वीडियो डाल देते हैं तो वो पब्लिकली हो जाती है, और पब्लिक को पूरा हक होता है उसके ऊपर रिएक्ट करने का या उसके ऊपर बोलने का, अगर कुछ गलत होता है। सपोर्ट में बोल सकते हैं और सपोर्ट में ऐसे हो सकते हैं सपोर्ट में ना बोलें। तो इसके नीचे बहुत सारे कमेंट आए थे कि बहुत अच्छा, अब तारा ने वो वाली वीडियो डिलीट कर दी है, जय माता दी। तारा ने वीडियो डिलीट नहीं करी है, तारा ने वीडियो प्राइवेट की है, ठीक है। और तारा तो मुझे लगता है ना वो अभी मैच्योर नहीं है अच्छे से, वो मतलब उसकी जो हरकतें हैं ना वो अभी मतलब सोच समझ के ऐसा कुछ नहीं करती, क्योंकि तारा को अगर पता होता ना कि मैं ये प्रेगनेंसी प्रैंक करूँगी तो उस पर लोगों का रिएक्ट ऐसा आएगा तो शायद वो नहीं डालती, क्योंकि वो इस तरह इतनी मैच्योर नहीं हुई है, उसने सोचा ही नहीं होगा कि मैं अगर ऐसी वीडियो डाल दूँगी कि 16 दिन आए हुए हैं अभी राहुल भैया को और प्रेगनेंसी प्रैंक करूँगी तो लोगों का उस पर क्या रिएक्ट निकल के आएगा। लेकिन जब उसने डाली उसको समझ आया तो उसने कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया, उसके बाद उसने वो वीडियो ही प्राइवेट कर दी है। तो अब तारा को समझ भी आ गया होगा कि ऐसी वीडियो नहीं डालनी चाहिए, और अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। बहुत सारे जो कमेंट है ना मुझे ये अच्छे लगे थे, बहुत सारे आए थे ऐसे कमेंट भी आए थे कि एक सेकंड में बताती हूँ। बहुत सारे कमेंट आए थे ना कि जो बिल्कुल ही गलत आए थे, जो कि हमें नहीं मतलब इस तरह के कमेंट भी नहीं करने चाहिए कि सही कहा आपने दीदी जी, मैंने भी देखा था तारा का ये वीडियो, लेकिन हमें भी बहुत गलत लगा यार, हमें भी अपने परिवार के साथ अपने लोग भी वीडियो देखते हैं, साथ में बच्चे भी होते हैं तो बहुत बुरा लगा, आप बहुत अच्छी वीडियो बनाती हो परिवार के बीच में देखने लायक, आप फिर भी
दूर आ जाओगी तो जरूर बताना, मतलब कि तारा के सपोर्ट में भी है यहाँ पर लोग बहुत सारे, शायद तारा के सपोर्टर्स ने आके कुछ बोला होगा, जैसे दीपा रेगी ने वो थंबनेल हटा दिया होगा। वैसे बहुत सारे कमेंट थे कि बिल्कुल सही बात, हर चीज़ का मजाक बना दिया, कुछ कुछ नया सीखने की प्रेरणा का संदेश दीजिए सोशल मीडिया पर, आपकी बात सही है दीदी। मतलब कि ऐसे बहुत सारे कमेंट हैं जो तारा को लेकर निगेटिव आए थे इस पर, कि एक ने बोला भी कि काजल मेहता वो सब प्रैंक था, ये नहीं कि वो प्रेग्नेंट है, बिल्कुल वो प्रैंक था, वो प्रेग्नेंट नहीं है, वो प्रैंक था। एक ने बोला है बिन्नू मिन्नी ब्लॉग्स, बिल्कुल सही बात बोली आपने दीदी जी, तारा ब्लॉग पर बहुत गंदा मजाक किया और आजकल लोग एक दूसरे को देख कर उनकी कॉपी कर रहे हैं। अच्छी बात भी है कॉपी करना, लेकिन अच्छी बात तो करना चाहिए, हम भी करते हैं पर ऐसा गंदा मजाक नहीं करते। इन्होंने मजाक किया है लेकिन बहुत गंदा मजाक किया है, और इन्होंने सोना पीपलिया जो कि मशहूर ब्लॉगर है कुमाऊँ की, उनकी कॉपी करी है, उन्हें भी कुछ समय पहले ऐसा मजाक किया था अपने पति के साथ। मेरी बातें आप लोगों को बुरी लगी, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन बच्चा देना भगवान के हाथ में है और भगवान का एक खूबसूरत तोहफा होता है। बच्चा तो यह कहना चाहती हूँ कि इतना गंदा मजाक बहुत बुरा लगता है, ऐसा गंदा मजाक ये बात उनसे पूछो जिनका बच्चा नहीं होता, पर आप लोगों के होते हुए भी इतना गंदा मजाक करते हो। तो मुझे इनका कमेंट बहुत अच्छा लगा कि ये प्रेगनेंसी का प्रैंक करना, ये वो, बच्चा तो भगवान का रूप होता है और उनसे पूछो जिनको बच्चे नहीं होते हैं, क्या वो भी ऐसे, क्या उन्होंने ऐसे कुछ, मतलब बस क्या ही बोलूँगी, आगे समझने वाले समझ गए होंगे। एक ने बोला है योगिता रावत, उन्होंने जो डाला ठीक है, उनके थंबनेल ने आपके व्यू बढ़ा दिए, ठीक है। तो मतलब इन्होंने थंबनेल जो है दीपा दीदी ने इससे ही हटाया, क्योंकि लोगों ने बोला कि उनके थंबनेल लगाने से आपके व्यू जा रहे हैं, तो इसे दीपा दीदी ने उनका तारा का जो थंबनेल है वो हटा दिया था, क्योंकि लोगों ने उनको ऐसे बोला। कोई बोलते हैं ज्ञान की देवी, बहुत अच्छी बात की, बिल्कुल सही कहा आपने, क्या बोली, क्या बोलती है वो, शर्म नहीं आती, मैं प्रेग्नेंट हूँ, गलती हो गई। और एक वो पिंकी गुस्सा, मतलब क्या क्या मतलब किया। अब मैं सिर्फ इस वीडियो जरिए यही कहना चाहती थी, रात गई बात गई, तारा को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने वीडियो प्राइवेट कर दी, कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिए। और अगर कोई किसी इंसान से गलती हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान गलत साबित हो जाता है फिर, ठीक है। वो अभी दीपा नेगी जितनी दीदी जितनी हमारी जितनी मैच्योर नहीं हुई है, ना ही वो हमारी एज में आई है। जब वो हम लोगों की एज में आ जाएगी या इतनी मैच्योर हो जाएगी तो फिर वो ऐसी हरकतें खुद ही नहीं करेगी, ठीक है। तो अभी कुछ थोड़ा उसके अंदर बचपना है जो टाइम के साथ साथ अपने आप ठीक हो जाएगा, और इस बात को आप ज़्यादा लंबा ना खींच कर यहाँ क्लोज कर देना चाहिए, क्योंकि बार बार एक गलती को ही बार बार याद दिलाना भी अच्छा नहीं होता। तारा से गलती हुई, उसने एक्सेप्ट किया, उसने वीडियो प्राइवेट कर दी, कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिए, और आगे से वो ध्यान भी रखेगी कि शायद ऐसी वीडियो ना बनाए। लेकिन हाँ, अगर वो फिर से ऐसी कोई गलत वीडियो बनाती है तो आप लोग उस पर रिएक्ट कर सकते हैं। और कुछ लोगों को फिर बता दो जो बोलते हैं ये आप अपने बारे में बताइए, अपनी वीडियो डालिए, तो देखिए मेरे चैनल पे मेरी कोई पर्सनल वीडियो नहीं डली हुई है, क्योंकि दिस इज़ नॉट ब्लॉगिंग चैनल, दिस इज़ ओनली रिएक्शन चैनल। तो मेरी वीडियो पे रिएक्शन वीडियो डलती हैं, गलत के लिए गलत और अच्छे के लिए अच्छे, तो सपोर्टिव वीडियो भी डलती हैं और निगेटिव वीडियो भी डलती हैं, दो तरह की वीडियो डलती हैं। तो ये पहले, और एक मतलब थंबनेल देखने से पहले वीडियो को अच्छे से वॉच कर लिया करें, उसके बाद ही कमेंट क्या करें, अदरवाइज ना क्या करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और किसी की एक गलत वीडियो से आप लोग उसको ऐसा जज मत करो कि हम आजकल उसको नहीं देखेंगे, ये तो ये है। अगर कोई अपनी गलती सुधार रहा है तो सुधारने का एक मौका भी देना चाहिए।